जब भी मैं बीच में कुछ करती हूँ ना, कोई डेफिनेशन आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि बीच में यही लिखना है और ये डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। विटामिन्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस आएगा ही आएगा इसमें से, पूरा फुल विटामिन पे क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, पूरा लॉन्ग टाइप भी आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के फंक्शंस और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स का। और दूसरी बात, जैसे आप BNHE कर रहे हैं ना, फिल प्रैक्टिस या जैसे भी आपको जाना है, जैसे भी किसी को गाइड करना है, तो विटामिन्स का रोल बहुत है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स का बहुत लोगों को पता होता है, उसको कैसे अवॉइड करना वो भी पता होता है, प्रोटीन्स के बारे में नहीं पता होता और विटामिन्स के बारे में नहीं पता होता लोगों को, मैम एक ठीक है। क्वेश्चन होता सबकी, बिल्कुल बताइए। मैम मैं बीच में रोकना चाहूंगा। दीप्ति हाँ जी सर, हाँ जी बताइए। दीप्ति प्लीज, अब कक्षा शुरू हो चुकी है, अन्य चर्चा हम एंड ऑफ द क्लास करेंगे, प्लीज ठीक मैम ठीक कंटिन्यू। हाँ हाँ जी कक्षा प्लीज, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है मैम। ठीक है जी, ओके ओके। टुडे विल स्टार्ट विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वैसे हमने पहले डिस्कस किया है हेल्थ का, हेल्थ के साथ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स मोटा मोटा सारे डिस्कस किए, जिनमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वी हैव डिस्कस्ड, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड कल हमने प्रोटीन डिस्कस किए थे। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था आपको कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, जबकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर नीडेड इन अ मच मोर क्वांटिटीज, बट जो विटामिन्स हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे इनके नाम से ही पता चलता है विटामिन्स, ठीक है, कि वाइटल मिनरल्स, ठीक है। तो इन इस चीज को लेके चलिए कि इनके फंक्शन ऑब्वियसली फिर इसे नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत ही बहुत वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे, बिकॉज जो विटामिन्स हैं ये वैसे एज ए विटामिन्स भी चलते हैं और हॉर्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स का भी ये टिपिकल पार्ट होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज के साथ मिलके काम करते हैं जैसे मैंने प्रोटीन्स के साथ कहा। सो इनका एक सेल सिग्नलिंग में भी होता है और ये मेम्ब्रेन्स में भी है। तो ये मैं मोटे मोटे चीजें आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ कि ये कहाँ 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 वेरिड फंक्शन हो सकते हैं, इनका कोई एक फंक्शन नहीं है वेरिड। और दूसरा जो आपके हैं, आपके सिलेबस में ना सिर्फ 6-7 तरह के विटामिन्स डिस्कस किए हुए हैं, बट हम थोड़ा सा और मैं आपको आइडिया दूंगी। तो उसमें दो तरह के, एक एक, एक विटामिन की क्लासिफिकेशन दो तरह की है, एक तो होते हैं लिपिड सॉल्युबल और जो दूसरे होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल अगर आप आइडिया लगाएं, जैसे विटामिन सी है, आप बहुत बार लेते होंगे और बहुत बार करते होंगे, खाते भी हैं विटामिन सी ऑलवेज, हमेशा, आई मीन जब भी कोई रेजिस्टेंस की कमी आती है, व्हेन यू टेक एंटीबायोटिक मेनी टाइम्स, जब आपको वायरल फीवर होता है, जैसे आजकल भी कोविड के चक्कर में भी ना लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल्स ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि ना तो कोविड कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, एक वो एक उसका टारगेट ही नहीं पता वैसे तो। बट अगर हम वायरस वायरल फीवर की बात करें, उसमें भी क्या होता है कि समटाइम्स आप इतना ज्यादा वायरल का इफेक्ट हो जाता है या वायरल लोड इतना ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ वायरसेस का लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर मतलब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो कंट्रोल नहीं हो पाते, आई मीन उसको हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वायरल लोड उसको भी ओवरकम कर जाता है, तो हमारे एंटीबॉडीज भी उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए फिर हम एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल तो नहीं, एंटीवायरल जो भी मेडिसिन लेते हैं, बैक्टीरिया की डिजीज है तो एंटीबैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं देन। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो लोड जो है बैक्टीरिया का या वायरस का वो इतना ज्यादा हो जाता है कि देन इट वोंट कम अप विद, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ओनली देन यू कैन गेट हेल्दी। बट समटाइम्स क्या होता है कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक खा खा के हमारी सारी खत्म हो जाती है। सो एंटीबायोटिक के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि एक तो माइक्रो फ्लोरा ऑफ द बॉडी या हमारे स्टमक का वो खराब हो जाता है जो नॉर्मल है, क्योंकि हम एक चीज को मारते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हमारा गुड फॉना एंड फ्लोरा है, जो हम एसिडिक कंडीशंस में भी, मैंने एंजाइम्स के साथ भी ये डिस्कस किया था कि जो एसिडिक पीएच होती है वो एक टाइम पे खत्म कर देती है, ठीक है, वो भी एक नॉर्मली खराब हो जाता है। देन फिर अब उस कंडीशन में क्या किया जाए, डिफेंस मैकेनिज्म है, देन वी हैव टू हैव द विटामिंस, वहां पे ये चीजें आती हैं जिसमें आपको विटामिन्स के साथ आप अपनी बॉडी को एक और एक्स्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है, हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो काम करते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो हम डिफेंस मैकेनिज्म को
एक हेल्प इन हैंड देते हैं, जो हमारा बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बाहर से जो हम विटामिंस प्रोवाइड करते हैं वो एक हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एक और हेल्पिंग हैंड हो जाता है। जब हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा लोअर है, काम नहीं कर रहा है या काम कर भी रहा है, देन ऑल्सो यू कैन हैव अलोंग विद। बट समटाइम्स क्या है, जैसे आजकल इम्यूनिटी बूस्टर्स में भी विटामिंस का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आपकी कोई डिजीज आसपास फैल रही है और आप उसको प्रोफाइलेक्टिक, एक होती है ना थेराप्यूटिक और एक होते हैं प्रोफाइलेक्टिक, जो ये मेडिसिन जब हम बी कम्प्लेक्स या मार्केट से लेते हैं वो हम एज ए मेडिसिन नहीं खाते हैं, बिकॉज उनके कैप्सूल्स खाते हैं वो हम एज ए मेडिसिन नहीं खाते हैं, ठीक है, वी डोंट टेक इट एज ए मेडिसिन, हम उसको लेते हैं एज ए प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक मीन्स होता है कि बीमारी होने से पहले अपने आप को ऐसी चीजें लेके इम्यूनिटी, जैसे कोविड का तो आपको आजकल सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वट एवर वी आर टेकिंग, प्रोटीन्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं या इम्यूनिटी बूस्टर्स, डिफरेंट आयुर्वेदिक या फिर और जो हर्बल्स, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो जो भी सजेस्ट कर रहा है कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहाँ से, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज का फिर वो क्या है, उसमें हम विटामिंस का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारा, ठीक है। और विटामिंस हमारे पास कितनी तरह के हैं, दो तरह के, एक हो गए लिपिड सॉल्युबल, एक हो गए वाटर सॉल्युबल। फिर अब वही बात आ गई कि फिर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैसा सिस्टम है। अब वहां पे विटामिन सी, अब जैसे मैं वायरल फीवर की बात कर रही थी, वहां पे हम अलोंग विद विटामिन सी लेते हैं, ठीक है। जो विटामिन सी है, ठीक है, कई लोगों को वायरल फीवर होने के बाद, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद एंटीवायरल सीजन देखे और ना स्टमक अपसेट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल फौना एंड फ्लोरा ऑफ हमारे गट माइक्रोबायोटा का, तो हम विटामिन सी लेते हैं या फिर साथ में पहले ना लैक्स जेड देते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लैक्स जेड जो हम आजकल ये कौन सी एक कंपनी आती है, याकुल्ट, ठीक है, और दही हम खाते हैं और ऐसे कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है जी, वो लेते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो उससे हमारी रेजिस्टेंस पावर बनी रहती है किसके साथ, टू फाइट विद द वायरल, जो भी वायरस सीजनल वायरस है या कोई भी इंफेक्शन है उसमें वो जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं उसके साथ इसकी रेजिस्टेंस बनी रहती है। विटामिन सी से हमारी थोड़ी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो विटामिन सी क्या है, हम वायरल वो उस वक्त हम लेते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। अब सपोज अब हमारे जो फैट सॉल्युबल है उसमें सिर्फ फोर ही आते हैं हमारे विटामिन ए डी एंड के, ठीक है, सारे चारों ये सारे फैट सॉल्युबल है। अब सबसे पहले आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉइड भी कहते हैं जो कि हमारे आई विजन के लिए बहुत ही नेसेसरी है और इसकी डोजेस नॉर्मल बच्चों को जैसे हमारी वैक्सीनेशन होती है ना, इम्यूनाइजेशन होती है मॉर्निंग बचपन में, तो हमारी विटामिन ए की डोजेस भी दी जाती है, दो तीन डोजेस दी जाती है, लिक्विड होता है वो पिलाया जाता है, वो एक सर्टेन एज तक ही पिलाया जाता है। लेकिन बाद में हम विटामिन ए कैसे लें, अभी हमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनमें से हमें विटामिन ए लेना पड़ता है, ठीक है। और विटामिन ए का विजन के साथ ये क्या है कि हमारा इसको रेटिनॉल रेटिनॉइड भी कहते हैं बिकॉज विटामिन ए जो है वो हमारा जो देखने का पिगमेंट है ना, रोडोप्सिन उसका नाम है, रोडोप्सिन, वो बनने में हेल्प करता है। और रोडोप्सिन क्या करता है हमारा, रोडोप्सिन करता है, रोडोप्सिन हमें जब देखो लाइट में तो हर कोई देख लेता है, ठीक है, लाइट में अगर किसी का लो विजन होगा ना तो वो भी दैट पर्सन ऑल्सो बी एबल टू सी इन टू द लाइट। बट जब अंधेरा होता है, अंधेरे में क्या होता है, जो रोडोप्सिन है वो स्पेशली अंधेरे में देखने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और रोडोप्सिन बनता कैसे है, फिर से वही प्रोटीन आ गए, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो बनने में और विटामिन्स बनने में भी प्रोटीन्स का हेल्प है और कुछ विटामिन्स भी ऐसे हॉर्मोन्स काम करते हैं। तो जो प्रोटीन है प्लस विटामिन ए कंटेंट मिलके क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। और फिर रोडोप्सिन क्या करता है आपकी बॉडी में जाके डिम विजन में, डिम या कम या रात का या डार्क कुछ भी आप कह लीजिए, उस विजन उस एनवायरनमेंट में आपको देखने में हेल्प करता है। ये थोड़े कि आप लाइट में देखते हो और बहुत डार्क हो गया तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो और ब्लाइंड हो जाते हो, ऐसा नहीं होता। और दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपकी जो रोडोप्सिन है वो डिम विजन में देखने की हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी आप क्या करते हो, एकदम से लाइट आ जाती है ना, तो वो रॉड्स एंड कॉन्स का ना ऑन एंड ऑफ होता है, रॉड्स वर्क कर रही होती है, रोडोप्सिन वर्क कर रहा होता है डिम लाइट में देखने के लिए, एकदम से लाइट ऑन करते तो एकदम आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा आता है और उसके बाद फिर से आप देखना शुरू करते हो, क्योंकि वो ना एक स्विच ऑन एंड ऑफ का होता है।
रोबसिन उसमें देख रहा है, रॉड सेल्स काम कर रही है, एकदम से स्विच ऑन हो गया, लाइट आ गई, तो कौन सेल्स वर्किंग करनी शुरू कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इट टेक्स फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि वो एक डिम लाइट से आईज देखने के लिए, एक ब्राइट लाइट में देखने के लिए एकदम से मीन दे हैव टू थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके जस्ट फ्यू स्पिरिट ऑफ सेकंड्स लगते हैं जिससे वो फिर देखना शुरू कर देते हैं, और जब हम लाइट में देखना शुरू कर देते हैं तो फिर से रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। एंड देन फिर अगेन वी नीड विटामिन ए प्लस प्रोटीन जिससे फिर से रोडोप्सिन बनता रहता है। ये एक कॉन्टिन्यूस एक साइकिल है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है। बट क्या है कि विटामिन ए जो है हमें तभी अवेलेबल होगा अगर हम फैट्स खाएंगे, बिकॉज इट्स एन लिपिड सॉल्युबल। अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स नहीं होंगे देन द प्रोटीन्स, जो लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन है खासकर विटामिन ए, ठीक है, तो ये अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। सो जो हम कल बात कर रहे थे ना कि प्रोटीन्स एंड विटामिन्स दे हैव अ वेरी वाइटल एंड एसेंशियल रोल्स, कल मैंने प्रोटीन्स का बताया, आज मैं विटामिन डिस्कस कर रही हूँ, बट इनका रोल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बगैर नहीं है। अब आप सोचिए इफ यू हैव लैक फैट और लोअर लेवल ऑफ द फैट्स और लिपिड्स इन योर लेवल, तो ये विटामिन ई अब्सॉर्ब होके कैसे पहुंचेगा? ये तो एब्जॉर्प्शन है, इसकी ट्रांसपोर्ट ही है, और ये लिपिड सॉल्युबल होगा, ओनली देन वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। लिपिड्स का होना एक नॉर्मल अमाउंट में, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल में अगर हम चेक करवाते हैं ना फास्टिंग लेवल, तो वो 200 से नीचे नीचे उसकी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, तो उतनी तो आनी चाहिए ना, इतना नीचे थोड़ा ले जाना कि कोलेस्ट्रॉल जीरो करना या कोलेस्ट्रॉल लो कर लेना 50 से भी नीचे, ऐसा नहीं करने की जरूरत होती है। एक हर चीज की एक लिमिट होती है। लोग बिल्कुल ही लिपिड्स खाना छोड़ जाते हैं और बिल्कुल ही पहले बहुत खाया होता है, एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ प्रोटीन्स लेना शुरू कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और लिपिड्स बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट सो अब देखो, अगर प्रोटीन्स में लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल नहीं होगा, तो प्रोटीन आपके एसेंशियल ऑर्गन फंक्शंस करने की बजाय सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइडिंग करनी शुरू कर देंगे, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आप खा नहीं रहे हो, प्रोटीन कुछ और ही फंक्शन कर रहे हैं एनर्जी प्रोविजन का, क्योंकि बॉडी में वर्क तो करना ही करना, बट फिर उनके एसेंशियल फंक्शंस रह जाते हैं। That's why I was explaining the protein sparing action वाला जो एक definition थी, ठीक है, और ये जो है फिर अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आप लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, अब लिपिड्स का रोल फिर से देखो आ गया, है ना, विटामिन ए का। अब ए का क्या है, विजन में लिपिड्स होंगे, ये लिपिड सॉल्युबल है तो फिर उसमें सॉल्युबल होके तभी आपका विजन भी ठीक रहेगा, बिकॉज वो लिपिड्स अब्सॉर्ब करके एंड देन इट विल रीच टू द आई विजन, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आपको वो नहीं कर रही हूँ, मतलब एक फिनोमिनन में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। आपको जस्ट इनके फंक्शंस करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के नाम पता होना चाहिए, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए, और जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं उनके नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। बस और थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आपका ये प्रोटीन है प्लस विटामिन ए का फंक्शन है, विटामिन ए का जो हम फर्स्ट टर्म ने लिपिड सॉल्युबल लिया वो बाइंड करता है और विजन में ब्लॉक करता है, और जब लाइट में देखते हैं तो रोडोप्सिन ब्रेक कर जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में जाओगे तो आपका एक एक्चुअल ये सारा छूट जाएगा, ठीक है। एंड देन अब इसके सोर्सेज का देखो, अब एक है बीटा कैरोटीन है, अब आपको गाजर में बहुत मिलता है, जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं इसमें जिंक बहुत होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये देखो राइप फ्रूट मैंगो होता है, पपाया, जो येल्लो वाले होते हैं ना, येल्लो फ्रूट्स, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, पम्पकिन हो गया, ठीक है, इनमें आपको बहुत अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन इज ऑल्सो अ कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये सारे इसी के ही विटामिन ए के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पता क्या होता है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है एक पहले मॉलिक्यूल, जो पहले बना होता है एक मॉलिक्यूल, फिर उसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है, देन इट टेक द एक्चुअल शेप, विटामिन ए बाद में, रेड रोडोप्सिन बाद में, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब देखो बीटा कैरोटीन, मैंने कहा कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन जब विटामिन ए और रेटिनॉल, जिसका नाम है, ठीक है, विटामिन ए तो रेटिनॉल से ही फिर रोडोप्सिन बनता है प्रोटीन के साथ, ठीक है, तो वो अगर सफिशिएंट ना हो ना, तो जो बीटा कैरोटीन है ना वो मतलब एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, पहले बीटा कैरोटीन आता है जो भी आप फूड से लेते हो, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में, ठीक है। तो
जो लोग कम प्लांट फूड्स लेते हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या ऑरेंज येलो मतलब वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं ना, तो वो उनकी विटामिन ए की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अब इनकी एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज का क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया कि रेटिनॉल है या इसको कैरोटीन भी कहते हैं, ये येलो और उस तो से को पिगमेंट मिलता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ रेटिनॉल इन द पर्टिकुलर पर्सन। तो उसमें क्या है कि फैट कंटेनिंग, अब ये मैं फिर वही मैं फैट्स पे बात आ गई कि फैट्स आर नेसेसरी। फैट्स के ना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं कि लिपिड सेल्स होती हैं जैसे सेल्स। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स एक वेसिकल्स टाइप्स होते हैं, जो लिपिड वेसिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इधर उधर मेंटेन होते हैं एंड दे आर एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट किसका करेंगे, जो भी लिपिड सॉल्युबल चीजें होंगी। अब जैसे हम विटामिंस की बात कर रहे हैं तो विटामिंस के जो ए बी ई एंड के हैं, इनको अगर अपनी स्पेस पे पहुंचाना है तो काइलोमाइक्रॉन्स विच आर एक्चुअली लिपिड वेसिकल्स वो इसको स्टोर करके देन दे ट्रेवल इन टू अ ब्लड, ब्लड से फिर ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमें आईज आईज में चाहिए तो आईज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आईज में जाके वो अपना काम करेंगे वॉट एवर दे हैव टू परफॉर्म। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, वो येलो येलो जो मैंने नाम दिए येलो एंड ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें मिलता है एंड व्हेन जब हम वो खाते हैं तो वो बीटा कैरोटीन दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ रेटिनॉल, जो विटामिन ए का ही एक अनदर नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए इज अ कॉमन नेम एंड रेटिनॉल है। रेटिनॉल से फिर हमारे प्रोटीन के साथ और बाइंडिंग होती है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक्चुअली मिक्सचर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवेज हैं स्टेप वाइज एंड देन इट गिव्स राइज टू अ रोडोप्सिन। ठीक है, जो हमारी आई साइड में हेल्प करता है स्पेसिफिकली डिम लाइट में देखने में। ठीक है, तो इसके फंक्शंस हमारी बॉडी में बहुत सारे आपकी बॉडी में दिए हुए हैं, जो मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया है कि मेंटेनिंग दी नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन लाइट में भी देखता है और जो डार्क में देख पाता है वो लाइट में नॉर्मली आराम से देख पाएगा। ठीक है, और जो रोडोप्सिन है क्या है कि दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ विटामिन ए विद अ प्रोटीन। ठीक है, एंड देन रोडोप्सिन इज दैट ब्रेक्स इन टू अ कॉम्पोनेंट विच इज एक्सपोज टू ब्राइट। जब एक्सपोज करते हैं लाइट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है फिर से वाइटामिन ए एंड प्रोटीन में, लेकिन जब डिम लाइट आती है वो वाइटामिन ए एंड प्रोटीन फिर से कंबाइन हो जाते हैं। इसमें रॉड्स एंड कॉन्स दो तरह की सेल्स होती हैं जो हमारी आई विजन में काम करती हैं, उसमें भी ऑन ऑफ का होता है। जब डार्क में देखनी है रॉड्स एंड द लाइट में देखनी होती है कॉन्स देखनी होती है। जैसे ही रोडोप्सिन की फॉर्मेशन होती है, रोडोप्सिन बनता है, रॉड सेल्स दे बिकम एक्टिव एंड वी कैन सी इन टू डार्क डार्कर मीडियम में, डार्कर अगर एनवायरनमेंट में डार्क है लाइट नहीं है इन द लैक ऑफ लाइट। जब एंड जब क्या करते हैं उसको कि जब वो लाइट आ जाती है देन फ्यू सेकेंड्स लगते हैं कि रॉड सेल्स ऑन ऑफ होती हैं एंड कॉन सेल्स ऑन होती हैं। वो ऑन ऑफ में इट टेक्स फ्यू स्प्लिट सेकेंड्स, ताकि अभी आपको एकदम से लाइट ऑन हुई ना तो एकदम से आपकी आंखों को ऐसे लगता है कि जैसे एकदम से ब्राइट लाइट में आ गया, जबकि वो लाइट इतनी ब्राइट नहीं होती है, बट आप डार्क से आ रहे होते हो तो वो आपको ब्राइट लगती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल लाइट। इतना नहीं है कि बहुत ब्राइट लाइट आपके लिए होती है। ठीक है, तो यही एक फिनोमिनन बार बार चलता रहता है। ठीक है, बट अगर इस तरह से होता है तो आपका विजन बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपको विजन आपका ठीक रखना है तो यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ येल्लो एंड ऑरेंज जो भी वेजिटेबल्स हैं आप अच्छे से खाइए। पम्पकिन में जिंक एंड विटामिन ए बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, तो स्टार्ट हैविंग दैट। ठीक है, ये आपकी ना एक बुक है, उसमें भी आपके आई का एक बताया हुआ है और उसमें रॉड्स एंड कॉर्न सेल्स बताई हुई है। ठीक है जी, उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना, और उसमें फेनोमिनन भी बताया हुआ है रोडोप्सिन का, डार्क लाइट का और लाइट लाइट का। उसमें सिंपली बताया हुआ है प्रोटीन प्लस विटामिन ए और रोडोप्सिन की फॉर्मेशन है, और जब नीचे आता है लाइट में तो वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ कि आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है वो आपको बताया जाए, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप जब आप खोलेंगे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। यू कैन गो थ्रू एंड देन यू विल फाइंड एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब सपोर्टिंग ग्रोथ, अब इसका ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये ग्रोथ में स्केलेटन सॉफ्ट टिश्यूज एंड बॉडी में मतलब इसका रोल एक्सप्लेन नहीं हुआ है बट रोल पक्का है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज को कैसे मेंटेन करता और स्केलेटन को कैसे मेंटेन करता है, उसकी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। ठीक
ठीक है, बट इसका रोल है ये पक्का पता है। का समटाइम्स ना कुछ कुछ जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं वो इतने एक्सप्लोर करके आए नहीं हुए, उन वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि मतलब उनकी अभी तक रिसर्च जारी जारी है। वो किसी ना किसी इनडायरेक्ट मेथड में कर रहे होते हैं पार्टिसिपेट उस फंक्शन को करने में, बट उसका अभी पता नहीं है। ठीक है, तो बोन्स जो ग्रो नहीं करती हैं फुल लेंथ तक, ओवरऑल वो अफेक्ट हो जाती हैं अगर वाइटामिन ई की कमी हो। ये देखा गया है कि अगर वाइटामिन ई की कमी हो तो जो बोन की ग्रोथ है और सॉफ्ट टिश्यूज की उसमें ग्रोथ होती है वो बहुत अफेक्ट होती है। ठीक है, इसीलिए जब बच्चों को बचपन में दिया जाता है वाइटामिन ए तो उनके विजन और ग्रोथ दोनों में ये पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, दूसरा ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीजेस। अब वो कैसे करता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी डिजीजेज हैं वो कैसे होती हैं, वो फ्री रेडिकल जनरेशन से होती हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेशन होती है या फिर ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। कोई भी वाइटामिन हो वो एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। और बहुत सारी डिजीजेज लाइक कैंसर, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज एंड वट एवर डिजीज यू नो नेम, वो सारी की सारी कैसे होती है, फ्री रेडिकल जनरेशन से होती है। और जो भी जितनी भी तरह के वाइटामिन होते हैं ना वो सारे के सारे उनको कम्बैट करते हैं, बिकॉज उनमें एक न्यूट्रलाइजेशन की एक कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अब ये भी वाइटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट है, डी भी एंटीऑक्सीडेंट है, ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, के भी एंटीऑक्सीडेंट है, सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, बट ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट इनका जो मैकेनिज्म है जस्ट टू न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल जनरेशन। फ्री रेडिकल जनरेशन का हिंदी मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी जनरेशन होती है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज मॉलिक्यूल होता है जो हमारी समटाइम्स हमें बाहर से भी मिलते हैं। जैसे हम कोई साइड इफेक्ट होता है, जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं ना उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो एक चीज बनाते हैं पर दो चीजें खराब करके जाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा ऑलरेडी नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है, जो भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, और जो खुद ही इनके जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या अदर सिस्टम्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं फालतू के समझ लो आप, फालतू कोई ऐसी चीज बन रही है जो फालतू में है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि साइड साइड पे जब कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके साइड कोई बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं हमेशा, कभी कोई हीट जनरेशन होती है, कभी कुछ होता है। तो वो चीजें आप ये समझ लीजिए फ्री रेडिकल ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरत नहीं होती हैं, बट वो एक नॉर्मल जो हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके एक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। बट क्या है कि अब इनको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट है। अब जैसे हमारी बॉडी में ना H2O2 प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, या फिर हाँ उसके लिए एक एंजाइम है हमारे पास कैटालेज। ठीक है, बॉडी ने बहुत आई मीन बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है कि जो फालतू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम नहीं करता तो उनके सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, यही सारे विटामिन्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो चीजों जो भी काम करते हैं, बट उनके साथ साथ ठीक है, उनके साथ साथ हमारी बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है जो हम बाहर से लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वाइटमिन्स। ठीक है, वाइटल मिनरल्स जो जाके क्या करते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनको वाइटल न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, वाइटल मिनरल बोला जाता है। ठीक है, तो यस काव्या इज राइटिंग दिस, कैरोटीन इज फाउंड इन वेजिटेबल्स। यस आई टोल्ड यू कि वेजिटेबल्स येलो एंड जो ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कैरोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। ठीक है, तो कैरोटीन इन प्लांट्स, यस प्लांट्स में, और आपके जो प्लांट के फ्रूट्स हैं जो आपको कंज्यूम करने हैं उसी की बात कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जो आप कंज्यूम करते हो ना येलो वाले प्लांट्स, मैंगो, पपाया, पम्पकिन, इनमें बहुत होता है कैरोटीन। ठीक है, तो जो आप कंज्यूम करोगे वही वही चीज होगी ना। ठीक है, उसी को आप खा सकते हो, जिसमें उसी में से आपके पास जाएगा, फिर आगे वो वाइटामिन ए की शेप ले लेगा। ठीक है, बीटा कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से प्रिकर्सर। एंड जो मैं आपको फ्री रेडिकल्स की बात बता रही थी, जितने भी जितने हैं वो सारे के सारे आपको वाइटल वाइटल इसीलिए है बिकॉज जो वाइटमिन है दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, यू हैव टू हैव इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली। आपको बाहर से अपने फूड से ही लेने पड़ेंगे कि ये वाइटमिन कहाँ से मिलता है, ये वाइटमिन कहाँ से मिलता है। या तो आप फूड इंग्रेडिएंट से ले सकते हो या फिर
आप क्या कर सकते हो, आजकल तो सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको हर चीज मिलती है, आप कैल्शियम के साथ वाइटामिन डी ले ले लोगे, ठीक है, और आयरन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, वाइटामिन ए भी मिलता है, लिक्विड है, और सब कुछ, आई मीन वाइटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं आपकी, टॉपिकल टॉपिकल मतलब वाइटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो टॉपिकल आपकी प्रेपरेशन भी मिलती है, बहुत सारी कंपनीज है, अब तो ऐसी कोई बात रह नहीं गई है कि यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ एनी वाइटामिन डी वाइटामिन इन एनी डोज, आपको हर डोज में मिल जाता है, बट ये हमेशा ये बेटर होता है कि आप अपनी नेचुरल फूड और नेचुरल जो आपका है, ठीक है, उसमें आप लो इसको, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस, वही मैंने आपको बताया, जब भी कोई डिजीज होती है तो फ्री रेडिकल जनरेशन होती ही होती है, तो वाइटामिन ए अगर आप लेते हो तो उसके साथ वो उसको कम्बैट कर देता है, वो जो फालतू के जनरेशन बनाए हुए मैकेनिज्म आपके बीच में बिल्कुल नहीं दिया हुआ, मैकेनिज्म बहुत लंबे होते हैं, बिकॉज हर डिजीज का एक अलग मैकेनिज्म होगा, अलग हर डिजीज में अलग तरह का फ्री रेडिकल या बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसको अलग तरह का हर अलग वाइटामिन अगर आपके पास होगा तो वो अलग तरह से उसको कम्बैट करेगा। इतने सारे विटामिन्स हैं, सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ लिपिड सॉल्युबल हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल हैं, तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग होगा, बट फंक्शन एक ही होगा, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बाय प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक फौज है, साथ में एक और आके फौजी बाहर से कहीं से आपने हायर करके और रख लिए, तो आपके पास अबंडेंट फौज हो गई है, सो दैट यू कैन फाइट विद द डिजीजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं विटामिन डी, डी इज आल्सो लिपिड सॉल्युबल, इसको हम सनशाइन भी कहते हैं, आपको पता है कि धूप में आप बहुत ज्यादा देर बैठोगे तो देन यू फील लिटिल बिट स्लीपी, ठीक है, नींद आनी शुरू हो जाती है, उसका मतलब ये होता है कि आपको विटामिन डी अबंडेंट क्वांटिटी में मिल गया है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ विटामिन डी आपको थोड़ा लेजी सी बनाती है, बट इट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, आजकल तो सभी को पता है कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कैल्शियम लेंगे तो विटामिन डी भी साथ में चाहिए आपको, सो दैट यू कैन आपकी जो बोन्स हैं आपकी उसकी हेल्थ आप मेंटेन रख सकें, ठीक है, अलोंग विद एंटीऑक्सीडेंट, तो इन सब का फंक्शन है ही है, ठीक है, ये अपना एक फंक्शन है इनका, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होकर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन करते हैं, साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है जो ये फालतू के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में और आपका डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके जो इसके विटामिन डी के आपके सोर्सेज हैं लाइक एग्स, लिवर, बटर, ठीक है, इन सब में होता है, ठीक है, और फिश के कॉड लिवर ऑयल में भी होता है, और आजकल तो इसकी प्रिपरेशन आती है, ग्रेनुलेटेड आता है, मार्केट में आता है, उसकी डोजेज होती है, कोई एक हफ्ते में एक बार लेनी होती है, उसके साथ आप कैल्शियम लो तो ये विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और इसका बॉडी में क्या है कि ये एब्जॉर्ब होता है फैट, अब ये फैट है तो ये फैट में एब्जॉर्ब होके थ्रू इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होता है, हर किसी का एब्जॉर्प्शन का एक अलग मैकेनिज्म है, ए का अलग है, डी का अलग है, जो डी है ये लिपिड सॉल्युबल है और क्या, और जो और ये क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब होता है, और सबसे बड़ी बात है इसका भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वही काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑल आर फैट सॉल्युबल, तो काइलोमाइक्रॉन्स दे आर द लिपिड वेसिकल्स जो इसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और हमेशा कहाँ, अपनी डेस्टिनेशन जहाँ इसका फंक्शन है, जहाँ जाके इसने एब्जॉर्ब होना है, वहां तक इसको पहुंचाने में काइलोमाइक्रॉन से हेल्प, ठीक है। और विटामिन डी के फंक्शंस हैं कि विटामिन डी क्या करता है, बोन्स को हमेशा स्ट्रांग एंड हेल्दी, दिस इज मेन प्रायर फंक्शन। विटामिन ए का प्रायर फंक्शन था वो आईज की हेल्थ में, विजन को मेंटेन करने में, डी का है कि ये मेनली बोन्स हेल्थ को मेंटेन करने में, ठीक है, हेल्प करता है। और तो और मिन ओके, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन व्हिच इज विटामिन ई। हमने ए कर लिया, डी कर लिया एंड ई। अब ई के सोर्सेज बहुत है, जितनी तरह के ऑयल्स होते हैं ना, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा, और दूसरा वो सीरियल एंड पल्सेस में बहुत होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है आपकी, और एग योक में अगर आपका बटर है, लिवर है, और मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड में, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कॉड लिवर ऑयल, आई मीन फिश ऑयल, ऑयल की फॉर्म में कैप्सूल्स ले सकता है अगर वो नहीं खाते हैं तो। अच्छा, विटामिन ई का मेन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द ए, एज एज कम्पेयर टू द डी, विटामिन ई का जो एंटी ऑक्सीडेंट कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा, बिकॉज ये भी लिपिड सॉल्युबल है
और इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है कि अब कल हमने, मैं बार बार वो डिस्कस करती हूँ कि एक सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं, और ये लिपिड सॉल्यूबल है, ठीक है। अब जब कभी भी अगर आप सपोज हम कोई मेडिसिन खाते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट है, उनका साइड प्रोडक्ट है, और वो आपके लिपिड्स को या प्रोटीन्स को जाके डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जो विटामिन ई है ना, दिस इज लिपिड सॉल्यूबल, उसका भी ट्रांसपोर्ट का वही सिस्टम रहेगा, कालो माइक्रॉन्स हैं, वो लिपिड वेसिकल्स हैं, देन वो मेम्ब्रेन पे जाके करेगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पे जाके जब ये बाउंड करता है तो ये मेम्ब्रेन के फंक्शंस को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अदरवाइज ना पता क्या होता है, समटाइम्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी डिजीज है सपोज, उसमें क्या होता है कि आपको ज्यादातर ना वीक हो जाते हो, जैसे आपने सिंपल फीवर भी अगर आपको हो जाता है ना, वायरल फीवर 8-10 दिन तक अभी अगर आप लोग सिक रहते हो, तो आपका ना एक हीमोग्लोबिन का अमाउंट थोड़ा सा कम आ जाता है, ठीक है। वो उससे क्या होता है कि जो आपकी सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स है ना, वो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल होते हैं, और बहुत सारे लिपिड्स होते हैं। वहां पे क्या होता है कि जब वो लिपिड्स पे अटैक करता है, तो लिपिड्स के में ना थोड़ी सी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इतने वाइटल ऑर्गन्स हैं एंड न्यूक्लियस है या और चीजें भी हैं। अब आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता है ना, लेकिन और ऑर्गेनेल होते हैं, तो उसमें एक हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन एक कंटेंट जब वो लिपिड्स को डिस्टॉर्ट करती है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी जीनोबायोटिक्स या कोई भी पॉइजनिंग हो जाए, किसी भी तरह की हो जाए, या कोई भी बाय प्रोडक्ट्स हो, आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जीनोबायोटिक्स होते हैं, उनसे वो लिपिड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्ट हो जाती है। वो डिस्टर्ब होकर, सपोज डिस्ट्रप्शन का मतलब ये है, समझ लो एक गोल चीज थी, उसमें एक एक चीज को अटैक किया और उसमें पोर्स हो गए, और उन पोर्स के थ्रू जो वो हीमोग्लोबिन होता है ना, दैट कम्स आउट, वो बाहर आ गया, बाहर आके वो खराब हो गया सारा, सेल्स के अंदर है ही नहीं है, तो आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या होता है, वो लो हो जाता है, ठीक है। वो लो हो गया, अब हीमोग्लोबिन का अमाउंट लो हो गया, दैट्स अ प्रोटीन मिनरल है वो, और वैसे भी आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, अब कैसे बचाएं सेल को। तो ऐसे केसेस में आपको विटामिंस की चाहिए, ठीक है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म तो काम कर रहा है, मतलब जब चीजें खराब हो जाती है, मैंने आपको कहा ना बाहर से सपोर्ट सिस्टम है, आपको विटामिन लेने पड़ते हैं। जब आप विटामिन लेना शुरू करोगे ऐसी कंडीशन में, तो जो विटामिन है वो इतना लिपिड सॉल्यूबल है, वो मेम्ब्रेन का कंटेंट बन जाता है, वो लिपिड्स पे जाके डिसॉल्व होता है, और जो लिपिड खराब हो रहे होते हैं उनको जाके वो ठीक करना शुरू कर देता है, वो जो पोर्स हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं, और वहां का मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी एंजाइम्स, मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड का जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारा का सारा जो डिस्टर्ब हुआ होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विटामिन ई, बिकॉज ये सीधा का सीधा जाके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब सेल सील हो गई, तो अब नाउ अब अंदर से और ज्यादा हीमोग्लोबिन बाहर जाएगा ही नहीं, जब जाएगा ही नहीं तो वो उतना मेंटेन रहेगा। प्लस आप डाइट लेते हो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए प्रोटीनेशियस डाइट लोगे, मिनरल्स लोगे, आयरन खाओगे, तो वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेम्ब्रेन अब ठीक हो गई है, तो थोड़ी देर बाद आपका जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट था वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। बट इट टेक्स सम टाइम, बिकॉज चीजें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक करने में टेक्स टाइम। तो विटामिन ई का रोल है जो, वो काफी हद तक ऐसा ही होता है, ए के जैसा ही होता है, और जो सी है, सी का रोल भी ऑलमोस्ट विटामिन ई जैसा होता है, लेकिन क्या है कि उसका सिस्टम फर्क होता है। ये लिपिड्स में डिसॉल्व होता है विटामिन ई, तो अपने फंक्शन करता है, और सी है जो वाटर सॉल्यूबल है, वो उसमें उसका मीडियम डिसॉल्व होने का फर्क है, उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फर्क है, क्योंकि जो लिपिड सॉल्यूबल है वो कालो माइक्रॉन्स के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सेल्स हैं, जो वेसिकल्स हैं, उनमें ट्रैवल करते हैं, और विटामिन सी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवल सिस्टम है उसका, ठीक है। अब जो विटामिन के है, विटामिन ई का मैंने आपको सोर्सेज बता दिया, ठीक है। विटामिन के है, अब के का आपको फंक्शन पता है कि इसका सबसे पहले तो ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब हम स्पिनेच, कैबेज, लेटस, ये सब चीजें खाते हैं, तो हमें विटामिन के मिलता है। नॉन वेजिटेरियन में एग, योक, मिल्क एंड ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर, अगर आप एनिमल्स का लेते हो, देन यू कैन हैव इन अबंडेंट द अमाउंट ऑफ के इन अबंडेंट क्वांटिटी। एंड ये क्या करता है, आपका इंटेस्टाइन के थ्रू ये अब्सॉर्ब होता है, और तो विटामिन के जो है वो इंटेस्टाइन में ही बनता भी है और वहीं पे अब्सॉर्ब होता है। और इसका क्या है, स्टोरेज का क्या है इसका, ये स्टोर होता है जब हम, क्योंकि फैट सॉल्युबल है,
तो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता टू वेरियस टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ, कौन लेके जाता है इसका कैरियर, अगेन दिखा लो माइक्रॉन्स, बिकॉज इट्स ऑल्सो लिपिड सॉल्युबल और लिपिड वेसिकल्स हैं जो इसको लेके जाते हैं, ठीक है. तो इसके फंक्शंस में वही सबसे बड़ी बात, ब्लड क्लॉटिंग, अगर आपकी फिंगर कट जाती है या ब्लड क्लॉटिंग है, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो इट विल टेक सम टाइम. एक्चुअली विटामिन के का रोल है, सीधा सीधा रोल नहीं है, इट एक्ट्स विद द डिफरेंट काइंड, एक बहुत क्लॉटिंग का अगर आप मैकेनिज्म अगर पढ़ना चाहें, आपके सिलेबस में नहीं है, आप अलग से पढ़ सकते हैं, उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के नंबर होते हैं, फैक्टर्स 8, 6, 7 ऐसे फैक्टर्स होते हैं, 1 से लेकर शुरू करके, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो 8, 6 होते हैं, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग में इनका एक बहुत सारा फैक्टर होता है. फाइब्रिन्स बनने शुरू हो जाते हैं जब वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कब काम करते हैं, जब विटामिन के हो, दे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, ठीक है, अगर के ना हो तो वो फैक्टर्स काम नहीं करते हैं. सो दिल इस तरह से फिर ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं, मतलब विटामिन के नहीं होगा तो वो फैक्टर्स काम नहीं करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं, ठीक है. प्रोथ्रॉम्बिन वगैरह जो पहले उनके बनते हैं मॉलिक्यूल, फिर वो फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं, जो फिब्रिन होता है वो फाइब्रस है, मतलब एक पतले 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 धागे से बन के वो एंड आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा एक क्लॉट बन जाता है. तो इस तरह से विटामिन के हमारी क्लॉटिंग में मेनली. अब अपना मेन मेन याद रखना, हमेशा हर किसी का एक मेन फंक्शन होता है, जैसे विटामिन ए का क्या था, विजन, ठीक है, और स्पेसिफिकली इन डिम लाइट. तो ई का सॉरी डी का फंक्शन था बोन हेल्थ में, ठीक है, और उसके बाद सॉरी आई वाज वेटिंग फॉर द आंसर बिकॉज एंड उसके बाद ई का भी फंक्शन है कि मेम्ब्रेन और लिपिड्स को उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना. के का फंक्शन है सीधा सीधा ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब एक एक फंक्शन को भी आप याद रखोगे जो इन सबका एक मेजर फंक्शन है, जो मेजर है. उसके साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही है, फ्री रेडिकल को बीट अप करते हैं और ये कलेक्टिवली भी काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि विटामिन ए का कोई ई का कोई ए के साथ रोल नहीं है, वो कॉम्बिनेशन में भी काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्थ को भी ये अफेक्ट करते हैं. अगर आपके पास डी के और ई अबंडेंट है तो ए की अफेक्ट ए भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके भी आधे फंक्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है, वो भी मतलब ये एक कलेक्टिव टीम की तरह भी काम करते हैं, बट वो इतना मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड नहीं है. मेन मेन फंक्शन आप एक एक याद रखिए, साथ में सपोर्ट सिस्टम है आपके एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम का, और फ्री रेडिकल को कम्बैट करने में, न्यूट्रलाइज करने में, या फिर जो आप उनको कह सकते हैं जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके नॉर्मल सिस्टम में बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में भी इनका बहुत ज्यादा रोल होता है. अब हम आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस. वाटर सॉल्युबल विटामिंस बहुत तरह के हैं. सबसे पहले तो आता बी कम्प्लेक्स है, सी हमने डिस्कस थोड़ा सा किया, विल गो इन डिटेल. तो जो बी है, बी को एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप हम कहते हैं, ठीक है. विटामिन ई का फंक्शन कोई पूछ रहा है, विटामिन ई का फंक्शन जो है वो हमारा लिपिड मेम्ब्रेन की हेल्प को, और बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट है ये, जो एंजाइम्स के साथ एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. जब हमारे फ्री रेडिकल जनरेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, ये है नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम, ठीक है, बॉडी का बाहर से, और ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन्स की हेल्थ को कम्बैट करता है, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन्स की हेल्थ को मेंटेन रखता है सो दैट नथिंग शुड कम आउट एंड नथिंग शुड गो आउट बिकॉज इट्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है. और हाँ, विटामिन ई का ये भी है कि आप एक लिमिट तक उसको ले सकते हो, अगर आप एक लिमिट से बहुत ज्यादा लेते हो तो उसका टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, स्पेसिफिकली विटामिन ई के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. जो बी कम्प्लेक्स है, तो जो बी कम्प्लेक्स को एक हम क्यों कहते हैं बी कम्प्लेक्स, बिकॉज इट्स अ ग्रुप, ठीक है, बी वाले बहुत सारे विटामिंस हैं, वो ग्रुप ऑफ विटामिंस को हम बी कम्प्लेक्स विटामिंस बोल देते हैं, ठीक है. उसमें एक हमारा आता बी वन बी टू, इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, जैसे बी वन थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, बी टू फोलिक एसिड है, नायसिन है, बी ट्वेल्व है, साइनोकोबालामीन होता है वो, ठीक है. तो ये वाले जो विटामिन्स है ना, ये एज ए को एंजाइम्स भी काम करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपनी ड्यूटीज में, जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं उनको डाइजेशन में और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन में, ब्रेन सिस्टम, एक्रेसरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और हर एक स्टेप का एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, वो दैट गिव्स राइज टू अ एक प्रोडक्ट को, ठीक है. और दूसरी बात,
अब जो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये को फैक्टर्स की तरह भी काम करते हैं, और जो ये वाइटमिन हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं, एज ए को एंजाइम। अब एंजाइम का फंक्शन पता चल गया, उसके साथ जो को एंजाइम मतलब उसको असिस्ट करने के लिए एक और एंजाइम, ठीक है, एक को एंजाइम मतलब उसके साथ एक एंजाइम। आपकी पिक्चर अगर आप अपनी उसमें देखोगे तो एंजाइम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, को एंजाइम्स का उसके साथ ही फंक्शन होता है, व्हाट एवर द एंजाइम। तो ये जितने तरह के एंजाइम्स हैं उनके साथ ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी तरह के हमारे विटामिन्स हैं ये सारे एज ए को एंजाइम, एक तो सबका फंक्शन कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अकेले अकेले पे अगर हम आएंगे, ठीक है, जैसे अब B1 को कंसिडर कर लीजिए, विच इज अ थायमिन। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बहुत सारे फूड स्टफ्स में होता है और एक्सेप्ट फैट्स में नहीं होता, बिकॉज ये सब क्या है, अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल। अब हम फैट्स की बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर डिजॉल्व इन वाटर, वाटरी लिक्विड्स, ठीक है, जिनमें लिपिड्स बिल्कुल ना हो, बिकॉज ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये किसी भी काम के नहीं होंगे, बिकॉज इनकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। सो वी नीड एन एक्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड अ वाटर सिस्टम, जिसमें ये सब डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और इनके सोर्सेज हैं जैसे होल्स, होल ग्रेन्स होते हैं ना, होल फुल फुल ग्रेन्स जो सीड है, ठीक है, वीट एंड राइस में ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलता है थायमिन, ठीक है। और अगर नॉन वेजिटेरियन देखे तो फिर वही आपका मिल्ट्री, पोल्ट्री, एग योक और इनमें भी होता है। इसी तरह से विटामिन B12 होता है जो कि साइनोकोबालामिन होता है, वो हमारा ब्लड मेकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो विटामिन B12 है इसका एक और बड़ा सोर्स है जो रेन होती है ना, बारिश होती है, उसमें ये अबंडेंट क्वांटिटी में होता है, यू कैन हैव फ्रॉम द रेन। जैसे विटामिन डी आपको सन से मिल जाता है, सनलाइट से, ऐसे रेन जब होती है तब आपको विटामिन B12 मिल जाता है। विटामिन B12 का भी एक बहुत बड़ा है कि आपको जब उसकी लैकिंग हो जाती है, एक्चुअली ना समटाइम्स ना कुछ ऐसे ये एक्चुअली इतनी माइक्रोग्राम्स में इनकी क्वांटिटी नीडेड होती है फॉर द नॉर्मल फंक्शंस। जैसे ए इज नीडेड इन अ गुड क्वांटिटी, बी ए डी बी और के बी ये सब, लेकिन ये जो बी कम्प्लेक्सेज है, टोटल बी कम्प्लेक्स जो है वो काफी गुड क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन इसके जो इतने सारे क्लासिफिकेशन में डिफरेंट 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 इसकी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम अलग से प्रोटीन्स हैं, ये बहुत ही माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी अगर कमी भी हो जाए ना, देखो अब इतने माइक्रोग्राम कंडीशन में भी चाहिए होता है, बट समटाइम्स इफ यू लैक इन एनी पर्टिकुलर, तो आपको जो उसकी सर्कमस्टांसेस है ना, हार्मफुल सर्कमस्टांसेस है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप सब सिंपल B12 को ले लो, अगर उसमें किसी की कमी हो जाती है, ठीक है, उसका B12 का ज्यादा सोर्स है जो वो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं होते हैं ना उनमें ये थोड़ी सी कमी विटामिन B12 की आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं होते हैं, बट जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें ये अबंडेंट क्वांटिटी में होता है लोगों में, अगर नहीं होता तो फिर वो दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी ये अमाउंट लो चला जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि यू डोंट फील गुड, अब देखो फटीग्ड रहते हो, यू डोंट फील टू वर्क, आपका एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है, ठीक है, और कंफ्यूज्ड माइंड होता है, फॉगी माइंड होता है, इनडिसिसिवनेस आ जाती है कि जल्दी जल्दी आप एक्टिव नहीं होते हो और थोड़ा थोड़ा ना कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हो हमेशा, तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा नहीं हो पाती है। अब ये देखो ये फंक्शंस है, ये कोई बहुत डिजीज्ड नहीं है, बट अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी अमाउंट कम हो जाता है, सो यू फील दीज काइंड ऑफ symptoms, like, बहुत ज्यादा नहीं है, बट लेकिन क्या है कि ये स्टार्टिंग में होगा, when you have a little bit lacking of the amount of the B12, but अगर ये prolonged हो जाएगा, मैं vitamin D B12 की बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब ये prolonged हो जाएगा तो फिर it can further lead to different kind of diseases like pernicious anemia, because जब विटामिन B12 की कमी होती है साइनोकोबालामिन की, तो उससे क्या होता है कि आपका ना हीमोग्लोबिन लेवल लो आना शुरू हो जाता है। अब जब वो इतना लो आना शुरू हो जाता है, उसकी मेकिंग में भी कमी आ जाती है, विटामिन B12 की एब्सेंस में वो मैन्युफैक्चरिंग और बनना भी कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन लेवल। जब वो कमी आ जाएगी तो आपको रेस्पिरेशन में सीधी सीधी सी प्रॉब्लम आएगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, दूसरा फिर आप एक्टिव और थका थका ज्यादा महसूस करेंगे, और दूसरा उसके बाद फॉगी माइंड है, सोच नहीं पा रहे हैं मतलब, और जब फॉगी माइंड है, थका महसूस कर रहे हैं, फटीग्ड है, तो आपकी इंडिसिसिवनेस, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड सी हो जाती है। एक्चुअली होते नहीं है, सिर्फ लगता है, और फटीग्ड होते हैं तो आप जल्दी जल्दी एक्टिविटी लेवल लो हो जाता, तो आप डिसीजन मेकिंग में भी कम हो जाते हैं।
बट ये होते हैं स्टार्टिंग के सिम्टम्स, जब नहीं होगा तो आगे परनीशियस, जब बहुत ज्यादा कमी होनी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या है कि ये आगे जाके फर्दर ऑटो इम्यून डिजीज में भी चेंज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज है कि खुद का हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा और जो बन रहा वो भी टूटना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ परनीशियस एनीमिया। इसका मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे अब सिंपल है बी कम्प्लेक्सेस है, बी कम्प्लेक्सेस में भी एक सिंपल सा एक आगे और एक कैटेगरी है बी ट्वेल्व है, उसको वो चाहिए इतने माइक्रोग्राम्स में। पहले उसके फंक्शंस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जब वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड कमी होती है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो इट कैन टेक मोर ड्रेडफुल, टेक द फॉर्म ऑफ मोर ड्रेडफुल डिजीज। ड्रेडफुल मतलब जो फेटल होती हैं, जो आगे और मतलब बहुत खराब कर देती हैं आपकी सेहत, और वहां से वापस आना और वहां से वापस लाने के लिए आपको यू रियली हैव टू टेक अ मेडिसिन। ठीक है, आपको हमेशा आपका बहुत ज्यादा इलाज कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें ख्याल रखनी होती हैं जो मैं एक 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 आपको एग्जांपल दे रही हूँ। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ बी टू, उसका अदर नेम भी है राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो वो जो राइबोफ्लेविन है उसमें ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल्क लिवर ये ज्यादातर ना मतलब एनिमल फूड से मिलते हैं, एनिमल किडनी एग्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी है, बट ज्यादातर अगर आप इनको नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना उसमें लो तो उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेन्स अगर आप लोगे ना होल ग्रेन्स पल्सेस, उसमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छे फेयर अमाउंट में आपको मिलेंगे बी टू। ठीक है, बट जब हम रिफाइन करते हैं ना चीजों को, जैसे आजकल बात करते हैं ना कि रिफाइन करना पॉलिशिंग करना, उसमें ये चीजें और भी जो वाइटमिन है और बी टू भी है, अब आप पल्सेस को रिफाइन करके चमका के पॉलिशिंग करके, ठीक है, तो उसकी शक्ल अच्छी बना देते हैं, दालों की शक्ल अच्छी बन जाती है। लेकिन क्या है कि हम कुछ क्या बहुत सारे विटामिन जो हैं वो लैक हो जाते हैं। तो नॉर्मल जब हम एक चीजें लेते हैं उनको नॉर्मली जब विदाउट पॉलिशिंग और विदाउट प्रोसेसिंग अगर हम दालों को, स्प्राउट्स को, सीरियल्स को, ग्रेन्स को, होल ग्रेन्स को अगर हम लें, तो वो बहुत हमारी हेल्थ में हेल्प करते हैं रादर देन प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो उसमें वो बहुत चीजें हमारी, खासकर बी टू तो वो हम बहुत ही लैक कर जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो रोल जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन है, राइबोफ्लेविन का मेन रोल है, जो हमारे मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसकी एक्सक्रीशन क्या है वो यूरिन में होती है, क्योंकि जितने भी वाटर सॉल्युबल चीजें हैं वो यूरिन में ही एक्सक्रीट होंगी। अब नेक्स्ट आ गया नियासिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स है, फैमिली का बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का एक वन ऑफ द कंपोनेंट है, विच इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन दीज डेज। ठीक है, बट इसका भी गुड सोर्स क्या है, मीट फिश पोल्ट्री फिर सीरियल्स एंड नट्स एंड ऑयल्स, जो नट्स से ऑयल्स स्क्वीज होके बनते हैं तो उसमें, और इसमें एक ये बात है कि ये बॉडी में जो मिलता है फ्रॉम एन अमीनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये फॉर्म हो जाता है उससे, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है उसकी हेल्प से इसकी फॉर्मेशन भी हो सकती है। बट हमारे जो वाइटल ऑर्गन वाइटमिन हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें आउटसाइड से ही लेने पड़ते हैं। सो वी शुड हैव गुड सोर्स ऑफ गुड हेल्दी फूड्स, सो वी शुड ऑल्सो चेक व्हाट वी आर टेकिंग एंड व्हाट वी हैव इन दैट, व्हाट काइंड ऑफ अ मिनरल, व्हाट काइंड ऑफ अ विटामिन वी हैव। सो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट द मिल्क जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है नियासिन इन द बॉडी। बॉडी में आके जो ट्रिप्टोफैन होता है ना मिल्क में, वो कन्वर्ट कर देता है नियासिन, बना देता है मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, and then thus provides yes, पता नहीं काव्या पूछ रही थी, anemia, anemia होता है बेटा, pernicious anemia is a kind of pernicious anemia, जो prolonged, जो हमारी vitamin B12 की deficiency होती है, prolonged, पहले उसके थोड़े थोड़े symptoms होते हैं which I have already explained, but उसके बाद फिर वो बहुत pernicious anemia की ले लेता है, which is an autoimmune disease, जो autoimmune diseases होती है उसकी अलग definition होती है, जो हमारी बॉडी में हमारी ही सेल्स अपनी ही नॉर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर देती हैं, मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो बैडली बिहेव करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को ही तोड़ना शुरू कर देता है। तो परनीशियस एनीमिया एक ऐसी डिजीज है विच इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, जो कि हीमोग्लोबिन बहुत लो होता है, बट वो तब होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड रहती है, बहुत देर तक रहती है। ठीक, तो उसके बाद वी वर डिस्कसिंग द नियासिन। ठीक है,
तो ये भी मैंने आपको पहले बताया, जो बी कॉम्प्लेक्स है वो भी एक कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। दिस आल्सो वर्क्स एज अ कोएंजाइम, बट ये मिल्क से ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है, ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि मिल्क में से भी हमें मिलता है। जब हम मिल्क लेते हैं तो जो ट्रिप्टोफैन है ना, उससे फिर वो नियासिन बन जाता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि वो बन जाता है। तो जो नियासिन है ये भी राइबोफ्लेविन की तरह ही एक कोएंजाइम है। ठीक है, जो फिर हेल्प करता है रिलीज करने में एनर्जी, कहाँ से, वो भी कहाँ से, एज ए कोएंजाइम काम करता है। किसमें पर्टिकुलर एंजाइम्स वो काम करते ही करते हैं, मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के, फैट्स के, प्रोटीन्स के। बट जो नियासिन है वो भी ये राइबोफ्लेविन की तरह एज ए कोएंजाइम काम करता है। कौन से डाइजेशन में, जो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म करते हैं, किसका मेटाबॉलिज्म में पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के एंड प्रोटीन्स के, तो उनके साथ नियासिन अलोंग विद जैसे राइबोफ्लेविन वो पर्टिकुलर एक किसी किसी एंजाइम के साथ एज ए को एंजाइम वर्क करते हैं। तो ये इनका बेसिकली फंक्शन है डाइजेशन में, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज करने में, और बाकी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके डाइजेशन में टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का क्या है कि ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। ठीक है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर लिवर एंड किडनी जो हैं बहुत ही रिच सोर्सेज हैं, और सीरियल्स एंड ग्रेन्स में। आप मोटा मोटा तो याद ही रखिए कि जो जितने भी सीरियल्स ग्रेन्स हैं या इनसे ऑयल जो बनता है उसमें इन सब, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, और दोनों के सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलता है कुछ पर्टिकुलर, एंड एनिमल फूड बेसिकली लिवर एंड किडनीज में भी मिलता है एनिमल फूड के, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी, एग्स में, मिल्क में, ये सब इनमें इनका सोर्स बहुत है, अच्छा, फोलिक एसिड का भी। ठीक है, तो फोलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ब्लड फॉर्मेशन में बहुत आपकी हेल्प करता है। ठीक है, और थ्री काइंड ऑफ सेल्स में, को बनाने में, मेंटेन करने में, उनका नंबर मेंटेन करने में, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, इसका एक लाइफ स्टाइल होता है, एक लाइफ का एक टाइम पीरियड है, जैसे 120 डेज है, और ब्लड सेल्स है, और प्लेटलेट को मेंटेन करके रखने में, कि वो एक फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा में सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं, ट्रेवल करते हैं या फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में, ये सारी सारी ब्लड सेल्स, उनका नंबर मेंटेन करने में। ठीक है, और ब्लड फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो फोलिक एसिड इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एंड देन विटामिन कोबालामिन B12 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो आया है। अब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड भी नाम है, और ये बेसिकली इसका सोर्स होता है कौन सा, एस्कॉर्बिक, जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं ना, जितनी भी तरह के सिट्रस प्लांट्स होते हैं, जैसे लाइक नींबू हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं ना, इन सब में विटामिन सी मिलता है, और थोड़ा सा खट्टा होता है, खट्टा मीठा वाला टेस्ट इसका होता है, तो आपको पता चल जाता है देख के कि विटामिन सी का सोर्स है। इस इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड आल्सो। और विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा, यू वोंट इमेजिन, सबसे ज्यादा ये गुआवा में होता है, पता है आपको। आप नेट पे जाके कहीं भी छो करके देख लीजिएगा, किसी भी फ्रूट से, इवन फ्रॉम द आंवला, इवन इफ यू कंपेयर विद द आंवला, जो विटामिन सी है उसका सबसे ज्यादा अमाउंट जो किसमें है, गुआवा, गुआवा अमरूद बहुत रिच होता है विटामिन सी में, इवन मोर देन आंवला, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इवन सिट्रस फ्रूट्स, इवन टमाटोज, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम में। ठीक है, इवन अगर कंपेयर करो आंवला से भी ज्यादा होता है ये किसमें, अमरूद में विटामिन सी का कंटेंट। और ये क्या है, ये भी विटामिन सी है, ये भी एज ए कोएंजाइम काम करता है, ये भी एज ए फ्री रेडिकल काम करता है, ये भी एज ए जो ग्रोथ, एनर्जी ग्रोथ है उसमें भी काम जाके करता है। ठीक है, जो बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। देखो, इसके भी सारे कोएंजाइम्स भी हो गया, फ्री रेडिकल जनरेशन जो होती है उसको भी न्यूट्रलाइज में काम करने में भी हेल्प करता है। तीसरी बात ये होगी कि जो हमारा एंजाइमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज वी टेक दिस विटामिन फ्रॉम आउटसाइड। विटामिन सी का सोर्स कोई नहीं है कि ये बॉडी में, सिवाय कि एक मैंने सिर्फ बताया नियासिन, जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, मिल्क में से मिलता है, और वो एक फॉर्म करता है नियासिन को, रादर देन, अदर देन नियासिन नथिंग, नो नो विटामिन कैन बी फॉर्म इन आवर बॉडी। ठीक है,
सो विटामिन्स हम कहते ही इसलिए इसको, इसीलिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, बिकॉज एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे कैन नॉट बी फॉर्मड इन आवर बॉडी. सो विटामिन्स जो है दे आर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, दे आर ऑल्सो नॉट फॉर्मड इन आवर बॉडी. वी हैव टू हैव इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली. वी हैव टू हैव इट फ्रॉम आउटसाइड. वी हैव टू हैव इट फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज. एंड जस्ट नेम whatever you need, like you have to have the vitamin C, then you have the citrus fruits and leafy vegetables, guava, and you can have amla, ठीक है, ये वाली. अगर vitamin E लेना है आपको different sources पे जाना पड़ेगा. vitamin B12 लेना है आपको तो different sources पे जाना पड़ेगा. और nuts and cereals अगर आप लेते हो तो उसमें तो mixture of vitamin B complexes and lipid soluble वाले भी उसमें होते ही हैं, ठीक है. अब इसके functions हैं, ठीक है, wound healing में. अब मैं आपको मैंने पहले ही बताया था, जो वूंड होता है ना, दैट इज ऑल्सो, अगर आपका एक चोट तो चलो लग गई उसके ऊपर ना आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो ओपन वूंड है. जब कोई चीज ओपन है, उसकी लेयर नहीं है, स्किन की प्रोटेक्शन नहीं है, स्किन पे एक पर्टिकुलर पीएच होती है जो मेंटेन करती है और वो अटैक नहीं करने देती वायरस बैक्टीरिया को. बट क्या है कि अब ओपन वूंड हो गया, उस पर चोट भी लगी है, उस पर कुछ ना कुछ डस्ट भी गिरेगी, सब कुछ गिरेगा और उस पर वायरस भी अटैक करेंगे, तो पस फॉर्मेशन भी होनी शुरू हो जाती है. जो पस होती है ना, वो एक्चुअली आपकी एंटी इन्फ्लामेशन की एक प्रोडक्ट होता है. जब वायरस आते हैं और आपका इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी को या उस वूंड पॉइंट पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, तो जब वो प्रोटेक्ट करके सपोज दोनों की फाइट हो रही होती है, जो फिर बाद में डेड मटेरियल बनता है ना, दैट इज कॉल्ड पस, ठीक है. तो वो पस बनती है, दैट मींस आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है. बट सम टाइम क्या होता है कि चोट इतनी बड़ी ना हो, वूंड इतना बड़ा ना हो कि आपके वो डिफेंस मैकेनिज्म को ओवरकम कर जाए और जो वायरस है वो ज्यादा अंदर तक हील अप कर जाए. समटाइम्स क्या है कि लोगों को इतनी चोट लगती है, टांग पे चोट लगती है, वो टांग काटनी पड़ जाती है, हाथ काटना पड़ जाता है, बिकॉज आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जो वर्क नहीं कर रहा होता. वो जितनी चोट लगी है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, वो नहीं संभाल पा रहा उतनी चीज. सो वी नीड विटामिन सी इन दोज कंडीशन. सो विटामिन सी जब आप लेते हो तो आपको एक रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं. तो जब वूंड हील करने हो या फिर जो आपका गला थ्रोट, जब आपको इन्फेक्शन होता है, जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, वही दैट इज ऑल्सो इन केस ऑफ द वूंड हीलिंग, वहां पे भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. या आपको वायरल फीवर हुआ, थ्रोट एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हैं, एंटीवायरल्स खा रहे हैं, देन ऑल्सो मतलब कहीं भी इन्फेक्शन के जहाँ चांसेस होना, तो वहां पे वो हील करने के लिए, जैसे गला पक गया वो भी हील करना है, अगर कहीं चोट लगी वो भी हील करनी है. तो इस तरह के छोटे मोटे या बड़े वूंड हीलिंग में विटामिन सी है जो, ठीक है, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है. अच्छा, डीलिंग विद स्ट्रेस. अच्छा, ये एक बहुत ही एक विटामिन सी का जो ये है ना, अब जब हम हमें स्ट्रेस होती है तो हमारा ना एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो है ना, एड्रेनालिन लेवल है और नॉन एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. वो क्या हुआ, अब की बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई, फालतू में हो रहे हैं वो, अब उनका एक रिस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है, ठीक है. आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है. अब जो फालतू चीज बन रही है स्ट्रेस में आपकी बॉडी में, उन हार्मोन्स का कोई जरूरत नहीं थी. लेकिन क्या है कि हार्मोन्स बहुत छोटी सी अमाउंट में भी अगर आते हैं ना, तो वो डिफरेंट स्ट्रेस, डिफरेंट स्टिमुलस देते हैं, ठीक है. हार्मोन्स का एक फंक्शन होता है स्टिमुलस देना. अब वो फालतू में बन रहे हैं एंड डिफरेंट सिस्टम्स को स्टिमुलस जाता रहेगा, तो आपकी बॉडी का सिस्टम खराब ही होगा. तो ऐसे केस में भी जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन स्ट्रेसेस, बॉडी फिजिकल भी होगी, मेंटल भी हो गई, जब आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बन रहे हैं हार्मोन, देन उनको कम्बैट करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, ठीक है. एंड नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. समटाइम्स क्या होता है कि आप ना ले रहे हो आयरन, आयरन रिच फूड ले रहे हो या आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, बिकॉज तब ले रहे हो जब व्हेन यू हैव योर हीमोग्लोबिन लेवल लो, नॉर्मल से लो है एंड यू हैव, बट फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लग नहीं रहा, ठीक है. देन क्या होता है कि जो विटामिन सी है वो एक ऐसा फिनोमिनन है, वो क्या होता है कि विटामिन सी के साथ जो एब्जॉर्प्शन है ना आयरन की, जो जो फूड में से आप ले रहे हो, वो एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाती है विटामिन सी लेने से, ठीक है. तो आयरन का लेवल आपके ब्लड में मेंटेन करने में विटामिन सी हेल्प करता है. तो उससे और आगे रेस्पिरेशन में और एनर्जी लेवल में, क्योंकि आपके पास आयरन अबंडेंट है तो हीमोग्लोबिन लेवल गुड है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एंड विटामिन सी उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, सो दैट यू फील गुड, हेल्दी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगा.
रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी है, यू आर वर्किंग एंड यू आर फीलिंग गुड, एंड उसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स भी ले रहे हो, मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, देन आप हेल्दी हो. ठीक है, यू कैन कंट्रोल सम काइंड ऑफ द डिजीजेस जो आपकी फ्री रेडिकल जनरेट करते करते हैं. अच्छा, अब लास्ट फंक्शन है इनका कि प्रोटेक्टिंग सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, लाइक विटामिन ई सी प्रोटेक्ट सब्सटेंसेस. ई का भी बहुत फंक्शन होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन को रिकवर करने में करती है हेल्प. ठीक है, जो सेल्स की इंजरीज हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया था फ्री रेडिकल जनरेशन से उसका हीमोग्लोबिन सारा बाहर आना, जो इसी तरह से सी है जो उसके ऑलमोस्ट फंक्शन ए जैसे हैं. ठीक है, लेकिन फर्क इतना है कि ए जो है वो लिपिड सॉल्युबल है और जो सी है वो वाटर सॉल्युबल है. ऑलमोस्ट फंक्शंस यही करते हैं जो विटामिन ई करता है. विटामिन ई सीधा मेम्ब्रेन को जाके प्रोटेक्ट करता है, ये मोटे मोटे जो बूंद होते हैं और थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. ठीक है, ये सारे वो हेल्प करते हैं. So with this, we have completed this vitamins, and I've completed today the fat soluble and the lipid soluble vitamins. So we have finished with this. So we'll take up tomorrow another chapter. And मैं रोज एक एक complete chapter कोशिश कर रही हूँ. आज आपने सिर्फ vitamins के role, so main main role मैंने बीच बीच में बताए हैं, वो role और इनके sources. ठीक है, और आपको मैकेनिज्म कहाँ याद करना है, एक तो विटामिन डी का भी करना है कि कैसे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है. ठीक है, कैल्शियम के साथ उसका क्या रोल है, और एक विटामिन ए का रिडॉक्सिन वाला मैकेनिज्म डिम लाइट में देखना होता है और जो कैसे ब्रेक होता है, और एक विटामिन के का क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में होता है, और एक विटामिन सी का जो ज्यादातर बीच में होता है, और विटामिन बी12 का पर्निशियस एनीमिया करता है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दीप्ति, I'll teach you the next chapter. मैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंगली ही जा रही हूँ, एंड आई एम डेली एक घंटे में मैं एक ही चैप्टर अच्छे से कोशिश करती हूँ कि मैं करवा दूँ. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट विल ऑल्सो स्टडी दैट ओनली. ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अब आगे जाके मेक्रो पॉपुलेशन या जो भी चैप्टर आ रहा है देन विल कंटिन्यू विद दैट. बट ये जो चैप्टर्स मैंने जितने भी करवाए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के और ये जो है, इनमें ना थोड़ा सा आपको ग्रास्पिंग लेवल है, आपका जो नाम है वो याद ही रखना है, उस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी याद रखना है, उसका जो मैकेनिज्म है वो भी याद रखना है. ये थोड़ा सा याद है, आप ना पॉइंट आउट कर लो, बना लो एक टैबुलेटेड फॉर्म में बना के, विटामिन ए डी एंड फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है, और उनके आगे मेन मेन फंक्शन लिख लो, उसके आगे थोड़ा सा याद कर लो ताकि आपको मोटा मोटा याद रहे, डिटेल में व्हेन यू विल रीड तब आपका सब याद रह जाएगा आपको. ठीक है, और दिस प्रोटीन्स का और विटामिंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, ये मैं आपको मतलब मैक्सिमम आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, फिर भी एनीथिंग इफ यू नीड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी. ठीक है, मेल मैंने आईडी बता दिया. ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम. हाँ जी मैम, देयर वाज अ लाइन दैट अगर हम विटामिन सी को फ्रेश यूज ना करें तो उसका जो हमेशा याद रखो, जब आप फ्रेश जूस लेते हो ना, ऑरेंज का किन्नू का है ना लेते हो, तो समटाइम्स ना हम थोड़ा सा ऐसे लेके उसको बैठ जाते हैं, सिप सिप करके पीना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं ना उनकी एयर के साथ ऑक्सीजन होती है ना ऑब्वियसली, एंटी ऑक्सीडेशन कॉज करनी शुरू कर देती है, उसका कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है. जैसे आप फ्रेश जूस लेते हो उसको इमीडिएटली पियो, जितनी जल्दी आप कंज्यूम कर सकते हो उसको रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रखना होता. ठीक है, यस, वो उसकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है. ठीक है, सिट्रस प्लांट्स हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, इसीलिए तो हम लोग फ्रेश जूसेस पे हमेशा जोर देते हैं कि या क्या फ्रेश फ्रूट काट के खाओ या फ्रेश जूसेस पियो, रादर देन कि जो टेट्रा पैक्स आते हैं उसमें एक तो आपका वो हो जाता है, एक तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं. ठीक है, वो भी एक हार्मफुल होते हैं, वो तो और भी हार्मफुल होते हैं, बट आप कोशिश करो क्योंकि उसका सिट्रस फ्रूट जो विटामिन सी है उसकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है जो कि एक बेनिफिशियल ही होती है, उसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह से जब एप्पल काटते हो आप, ठीक है, एप्पल में भी क्या होता है, आयरन होता है. ठीक है, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ एप्पल में आयरन होगा, आप कट के रख के 10 मिनट देखिए, उसके बाद उसके ऊपर एक पूरी ब्राउन कलर की
लेयर जम जाती है विच इज आयरन ऑक्साइड, बिकॉज आउटसाइड आपके पास ऑक्सीजन है, अंदर आयरन है, आपने कट करके उसका सरफेस ओपन कर दिया है एंड आयरन आके आयरन ऑक्साइड बनाएगा. आयरन ऑक्साइड क्या होता है? रस्ट, जंग लगना होता है और जंग हमेशा टॉक्सिक होता है. आप हमेशा उसकी एक लेयर को ऊपर से फिर उतारिए, देन यू शुड कंज्यूम दैट. ठीक है, दिस इज सजेस्टिव. यस, एनी अदर क्वेश्चन? मुझे याद नहीं है वो चैप्टर कौन सा, बट मैं सीक्वेंस में ही चलती हूँ. वट एवर इज योर नेक्स्ट चैप्टर इन योर बुक, तो वही होगा. नेक्स्ट चैप्टर होगा ये यूनिट वन का कौन सा चैप्टर? एक मिनट, देख सकते हैं, मैं ओपन करके बता देती. हाँ हाँ, आप देख के मुझे बताइए. अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता दो. अगर आप सारे सलाह करके, आई मीन यू कैन टेल मी, आई टीच दैट वन. अगर आपको कुछ और डिफिकल्ट लगता है, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे और यहीं से स्टार्ट हुआ है. मैं चाहती हूँ कि उसी सीक्वेंस में अगर चलता है, बट अगर आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल हो. मिनरल्स पढ़ना चाह रही थी मैं. मिनरल्स, देख लो, सब हाँ कर दो, मैं वही पढ़ा देती हूँ. कौन सा चैप्टर है मुझे बता दीजिए, मैं उस पे स्किप कर देती हूँ. मैम, अभी हम लोग डीएनएचसी 1 के ऊपर हैं. हाँ जी, डीएनएचसी 1 के चैप्टर. हाँ जी, हम तो 1 का ही जो रहेगा उसी में हम इंट्रोडक्शन रहेगा. वही तो ये मैम डीएनएचसी 1 का ही रहेगा अभी टॉपिक जो. और इसमें अभी मैम, अभी जैसे हमारे आज 4 सेशंस होंगे, अभी एक दो सेशन रखने का विचार है मैम, या ऑलमोस्ट कवर हो गया? सर कवर तो नहीं हुआ है, सिलेबस तो बहुत है. एक्चुअली मैं डेली का एक चैप्टर एक्चुअली बहुत लेंथी है, कवर करने की कोशिश करती हूँ. मैंने 4 चैप्टर्स किए हैं, तो मुझे लगता है दो सेशन में बहुत अच्छे से हो जाएगा सर. एक्चुअली ठीक है मैम, कल और परसों का 2 सेशन हो सर. ठीक है जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम. ओके सर, थैंक यू. आई विल स्टॉप इट.